तो हाय गाइस, स्वागत फिर से नई वीडियो में बहुत दिनों के बाद। तो गाइस फिर से आप लोगों के लिए नया जॉब वैकेंसी अपडेट लेकर आया हूँ आज के वीडियो में। तो आज के जो वीडियो में आपको जॉब वैकेंसी आया चेन्नई के लिए, तो चेन्नई में बहुत दिनों के बाद आप लोगों का इंतजार था। तो जो दो दो कंपनी का वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का मतलब जॉब का इंतजार था चेन्नई कंपनी में काम करने के लिए, इसीलिए इतना दिन वेट में इंतजार में हम भी थे। तो आज के वीडियो में अचानक मतलब बहुत बड़ा वैकेंसी लेकर आया हूँ, दो दो कंपनी में जो वैकेंसी लेकर आया हूँ, वो भी सभी प्रकार के सभी लोगों के लिए जो वैकेंसी है, जो 10th 12th पास फेल आईटीआई पास किए हों या फेल किए हैं, सभी के लिए जॉब है। और काफ़ी सुनहरा मौका है आज के वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि सारा डिटेल्स वीडियो में ही मिलेगा। और कॉन्टैक्ट नंबर जो मिलेगा उसमें आपको डिटेल्स नहीं मिलेगा, सिर्फ एड्रेस मिलेगा। तो इसीलिए डिटेल्स जानने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ओनली सिर्फ मैं जॉब वैकेंसी आप लोगों तक लाता रहता हूँ। तो गैस आज के वीडियो में दो प्रकार का जॉब आया है अपडेट, जॉब वैकेंसी, और जिसमें और टाइमिंग भी दोनों का अलग अलग है, जिसमें बहुत लोगों को 8 घंटा का ड्यूटी वाला जॉब चाहिए था, तो फाइनली 8 घंटा का कंपनी जॉब आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए सारा कुछ डिटेल बताते हैं। तो पहला है गैस 12 घंटा वाला जॉब, जिसमें आपको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, वो भी 26 दिन, और इसमें सैलरी मिलेगा आपको 18,000। तो ओटी करना मतलब 12 घंटा में ही ओटी आ जाता है, ओटी मिलाकर ही 12 घंटा होता है। और एक्स्ट्रा ड्यूटी जो करते हैं वो संडे संडे को होता है, जिसमें उसका एक्स्ट्रा पैसा आता है, बाकी ओटी मिला के 12 घंटा ड्यूटी होता है। और 12 घंटा 26 दिन का आपको 18,000 मिलेगा, जिसमें आपको रहना खाना अपना रहता है, कंपनी सिर्फ एक या दो टाइम सिर्फ खाना देगा, जब तक आप ड्यूटी में रहेंगे तब तक मतलब कंपनी आपको खाना देगा, बाकी रूम में आपको खाना खुद से बनाना पड़ेगा और रहना भी अपना रहता है कंपनी में चेन्नई जॉब में। तो 12 घंटा में यही है 18,000 सैलरी है, जो 26 दिन का रहता है, और संडे संडे छुट्टी रहता है, और संडे एक्स्ट्रा होता है चेन्नई में, हर एक जगह एक्स्ट्रा करने से आपका एक्स्ट्रा पैसा आता है सैलरी से अलग। और इसमें पीएफ कट के भी मतलब पीएफ भी कटता है कंपनी में, हर एक कंपनी में, तो पीएफ कट के आपका 18,000 मिलेगा। तो गैस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एज लिमिट बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको रिटर्न होना पड़ेगा तो अच्छी बात नहीं। तो एज लिमिट आपको 18 से 28 तक चलेगा, और 18 से 28, अगर 30 प्लस है तो भी चलेगा, वरना 35 प्लस नहीं चलेगा, ज़्यादातर 35 प्लस नहीं चलेगा, 35 तक ही चलता है ज़्यादातर अभी के समय में कंपनी में। तो 18 से 28 तक अभी कंपनी के तरफ से मांग है, अगर 35 मतलब 30 प्लस है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जरूरी सूचना है आप लोगों को, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हर एक कंपनी में एज लिमिट मायने बहुत है, 18 प्लस के होने के बाद ही आपको लेगा। और डिग्री इसमें सभी लोग काम कर सकते हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग हो या 10th 12th फेल पास कोई भी है, इसमें सारा लोग जॉब कर सकते हैं। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी में जॉब करने के लिए, चेन्नई में कहीं भी काम करने के लिए, आप डिग्री किए हों या नहीं, सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी है। बाकी आप लोगों के लिए सैलरी के लिए आपको अकाउंट कंपनी ही खोल देता है, तो कंपनी के तरफ से आपका अकाउंट ओपन होगा, उसी में आपका महीना में सैलरी क्रेडिट हो जाएगा आपका अकाउंट में। तो सैलरी का टाइमिंग होता है 2 से 5, 10 या 12, 10 तक ही रहता है टाइमिंग, तो 2 से 10 के बीच में आपका सैलरी आ जाता है, अलग अलग टाइमिंग होता है हर एक जगह का। तो जहाँ मैं करता था वहाँ 5 को आता था और दूसरा कंपनी में आता था 7 तारीख तक, लेकिन ज़्यादातर यही 10 के बीच में आपका फिक्स है कि सैलरी मिल जाएगा आपको। तो गैस ये है 12 घंटा का ड्यूटी, जिसमें सभी लोग जॉब कर सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड से डायरेक्ट जॉब ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो इसी यही है जिसमें आप सभी लोग कर सकते हैं। और तो गैस दूसरा है 8 घंटा का ड्यूटी, जिसमें आपका डिग्री इम्पोर्टेंट है, तो डिग्री ज़्यादा नहीं तो मतलब 10th प्लस आपका डिग्री मांग है, तो 10th से जिसमें आपका ITI हो, डिप्लोमा हो और 10th पास हो, तो ITI पास हो या फेल हो सब चलेगा। अगर आप 10th नहीं पास किए हैं फिर भी आपका ले लेगा। तो ये 8 घंटे के ड्यूटी में आपका डिग्री का मांग है जरूरी, बाकी डॉक्यूमेंट्स वही लगेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो 8 घंटे का ड्यूटी में अलग अलग सैलरी है, प्रकार है, क्योंकि डिग्री के अनुसार इसमें सैलरी है। तो सभी का 8 घंटा का है 15,500, और बाकी इसमें ओटी जो है वो अलग अलग है डिग्री के अनुसार। तो
टेंथ से आईटीआई जो लोग किए हैं उन लोगों को 1500 है इसमें एक्स्ट्रा। तो सैलरी के साथ ओटी कीजिएगा तो उसमें आपको 1500 एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो डिप्लोमा किए हैं उन लोगों को 4500 एक्स्ट्रा है। तो इसी में आपका ऐसा ही सैलरी आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो 8 घंटा का ड्यूटी में ऐसा ही करके आपको सैलरी मिलेगा, जो 10th डिग्री के अनुसार अलग अलग मिलेगा इसमें आपको। बाकी आप डिटेल्स खुद देख सकते हैं जो है स्क्रीन पे। और इसमें आपका आने जाने का ट्रांसपोर्टिंग का भी सुविधा दिया गया हुआ है। यही था गैस आज का जॉब वैकेंसी, और आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें गैस कि जितना भी आता है जॉब वैकेंसी चेन्नई के लिए सारा इम्पोर्टेंट मतलब इमेडिएटली में तुरंत आता है, और तुरंत वैकेंसी के मांग होता है, जल्दी में होता है। तो आप लोगों को यही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जॉब 100% रहता है चेन्नई में, और आपको जो यहाँ से जा सारा डिटेल नहीं मिलेगा। अगर कॉन्टेक्ट नंबर से अभी आप सारा कुछ यहीं पूछना चाहेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, वो सिर्फ कुछ कुछ बताएंगे और बाकी एड्रेस में ही बताएंगे। तो जितना भी डिटेल्स चाहिए मेरा वीडियो में देखिए, और मैंने वीडियो बनाया है काम का भी वीडियो, तो वो देख लीजिए और कि कैसा काम होता है कि नहीं। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और नए जानकारी के साथ और नए वैकेंसी के साथ। तब तक और एक और इम्पोर्टेंट गैस कि अभी के समय में आप हर एक जगह वैकेंसी आने वाला है, तो जो जो दूसरे जगह में जो भी करना चाह रहे हैं या नहीं भी जा पाएंगे तो हमारे वीडियो पे बने रहिए। जो बाद में जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी अब आते रहेगा, मैं हर एक मंथ में आते रहेगा नया नया वैकेंसी। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और हमें सपोर्ट करते रहिए क्योंकि मैं सिर्फ वैकेंसी का वीडियो ही लाता हूँ।